हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग सिस्टर की वेडिंग से रिलेटेड है। उसका वेन्यू कैसा है, कहाँ हम कर रहे हैं, प्रयागराज में होटल मिलन पैलेस सिविल लाइन में पड़ता है, ये इसका एंट्रेंस है। तो ये एक्चुअली शादी का नहीं है, बट कल एक इवेंट होने वाला है, उसी का अरेंजमेंट हो तैयारी कर रहे हैं सब लोग। तो एंट्रेंस कुछ इसी तरह से रहेगा, आगे मैं दिखाता हूँ आपको कैसा रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हॉल है। गैदरिंग ज़्यादा नहीं है, 200 लोगों की है, क्योंकि हम भी प्रयागराज में नहीं रहते हैं, आउटसाइड से यहाँ पे आके बसे हैं। तो और घर से लोग हैं, कुछ गिने चुने लोग आएंगे। बाकी शादी में लड़के वालों की तरफ से 50 के आसपास अप्रॉक्स जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है आ रहे हैं लोग। तो सामने जो देख रहे हैं आप, वो स्टेज रहेगा, इसी तरह से कुछ मैट का सेटअप रहेगा। ये एरिया जो आप देख रहे हैं, पूरी वहाँ तक लास्ट तक, वो लास्ट में आप जो देख रहे हैं डीजे का सेटअप वहाँ पर रहेगा, उससे पहले तक पूरा सोफे का सेटअप रहता है। लगभग 10 लोगों का सेटअप एक जगह बनता है यहाँ पे। ये जो एरिया देख रहे हैं डीजे का सेटअप रहता है, यहाँ फ्लोर रहेगा, नीचे दो वॉशरूम है जस्ट फ्लोर के स्टेज के बगल में, कुछ इसी तरह से स्टेज रहेगा। स्टेज और बड़ा बनेगा, करीबन 4 फीट और बढ़ेगा, और सिमिलर सेटअप रहेगा, कुछ थोड़ा चेंज होगा इसमें। वो क्या चेंज होगा उस दिन आपको दिखेगा उस वीडियो में, शादी का स्पेशल वीडियो रहेगा वो। यहाँ से ये एक साइड में जैसे वेलकम ड्रिंक पानी वगैरह जैसे होता है, लड़के सर्विस करेंगे। सूप का काउंटर रहेगा यहाँ पे, सूप के बाद जैसे सलाद हो गया, मेन कोर्स शुरू होगा, और जो स्नैक्स की सर्विस होगी उसकी जैसे ट्रॉली रहेगी, ट्रॉली पे सर्विस होगी। यहाँ तक काउंटर रहेगा। वो एरिया आप जो देख रहे हैं, वहाँ पे दो लाइव काउंटर्स लगेंगे, जैसे चाट काउंटर हो गया, चाइनीज़ काउंटर हो गया, और बाकी स्नैक्स है। स्नैक्स में चार वैरायटी है अप्रॉक्स, तो वो ट्रॉलीज में यहाँ पे सर्विस होती हैं। जो स्नैक्स ट्रॉली की बात कर रहे थे हम, ये है, बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। ये नीचे फ्यूल जलता रहता है, और ये वार्मर है, पानी इसमें डाल दिया जाता है, पानी गर्म रहता है, जिसकी वजह से स्नैक्स थोड़ा सा हीट रहता है। तो ओवरऑल अरेंजमेंट बहुत बढ़िया है, होगा। और मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे मंडप रहेगा। मंडप बढ़िया से डेकोरेट रहेगा, रात में उसमें चाय कॉफ़ी वगैरह फेरे के समय जो चलती हैं वो सब चलती रहेंगी। चाय कॉफ़ी हो गया, स्नैक्स हो गया, व्हाटएवर जो आप उसमें देना चाहो अपनी तरफ से भी ला के दे सकते हो, चला देंगे। फूडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फूडिंग मिलन पैलेस प्रयागराज की सबसे बढ़िया फूडिंग है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, और बाकी आप गेस्टों का भी फीडबैक हमको मिलता रहता है इस चीज़ का कि बहुत बढ़िया है। मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस ये रहता है। ये एरिया रहेगा मंडप का, जो आप एरिया देख रहे हैं पूरा, ये खाली रहता है, यहाँ पूरा ये सब टेबल वगैरह जाएंगे, यहाँ बीच में मंडप बनता है यहाँ पे। ये सोफा है, बट ये सोफा नहीं रहेगा उस दिन। ये जैसे ऊपर आप देख रहे हैं, ये आर्टिफिशियल पत्तियां हैं, बहुत अच्छी लगती हैं लगने के बाद।
आपको मैं फ्रंट व्यू दिखाता हूँ। अभी इसमें कवर वगैरह कुछ नहीं लगा, ये कल की तैयारी कर रहे हैं अभी, तो जितना भी आर्टिफिशियल वर्क था वो हो चुका है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग फ्रेश फ्लावर का ही वर्क यहाँ पे देखते हैं। अभी गेस्ट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो ओवरऑल ये जैसे 350 के आसपास की गैदरिंग इस हॉल में हो जाती है, एक सिंगल हॉल में। वैसे हमारी तो 200 है, 200 भी पूरे नहीं होंगे। ये साइट का जो हमने आपको बताया था कि फूड कॉर्नर जो डिस्प्ले है इसी पे रहेगा, ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं, पानी वेलकम ड्रिंक से शुरू होते हुए सूप सलाद मेन कोर्स वगैरह होते हुए लास्ट में उस कॉर्नर पे जो आपको हमने बताया था, लास्ट में कोने में वहाँ पे चार चाइनीज़ वगैरह लगेगा, और मंडप जो आपको बताया वही सामने रहेगा जिस हॉल में भी आपको हमने दिखाया। जस्ट बिसाइड स्टेज वॉशरूम है, तो सबसे बढ़िया लोकेशन पे है, सामने लोगों को दिखेगा भी। कई जगह में पीछे बनाते हैं, साइड में तो लोगों को दिखता ही नहीं है, और ये क्योंकि सबका फेस सामने रहेगा तो दिखेगा कि हाँ वॉशरूम यहाँ पे है, नहीं तो बाकी जगहों में तो लोग ढूंढते रह जाते हैं कि वॉशरूम कहाँ है। तो ओवरऑल जैसे मैंने जो रेटिंग दी है इस हॉल की, ये आउट ऑफ 10 मैंने इसको 8.59 के आसपास मैंने दिया है, एक मेरी गैदरिंग के हिसाब से। जो यहाँ चेयर यूज़ की जाती है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, जिसे हम एक बैंकुटिंग के लिए बेस्ट चेयर मानते हैं। इस पर चेयर कवर लगेगा, बो लगेगा, पूरा सेटअप प्रॉपर होगा, और इतना बड़ा टेबल है कि इस पर 8 लोगों की सीटिंग बड़े आराम से हो जाती है। अब ये किस तरह सजेगा, किस तरह से दिखेगा, ये आपको इसका पार्ट 2 जब आएगा, मेन वेडिंग पार्ट, उसमें आपको दिखेगा। तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर, मिस मत कीजिएगा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही है कि सिस्टर की शादी कहाँ पे हो रही है, वेन्यू वो मैं आपको दिखाने वाला था। तो ओवरऑल अच्छा सेटअप होगा, उम्मीद करते यही है, और फूडिंग जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत फेमस है यहाँ की, तो देखते हैं उस दिन क्या होता है। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।